गहरी चिंता व्यक्त की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने। दरअसल वे करनाल में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद ये चिंता व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा और स्वास्थ्य का काम समाज ने संभाला हुआ था, लेकिन जब से ये कॉरपोरेट के हाथों में आए तब से ये महंगे हो गए। आम आदमी को दोनों महंगे मिल रहे हैं। वाकई बात बिल्कुल सही कही मोहन भागवत ने। कुछ एक समाचार ऐसे आते हैं कि जब मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के बिल लाखों में आते हैं, जिसे मरीज के परिजन चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं। इलाज इतना महंगा हो गया कि गरीब आदमी घर बैठे खांसते खांसते ही जान देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि शहर जानता है कि उसकी बीमारी तो ठीक होगी या नहीं, लेकिन परिजनों के लिए बाद में कुछ बचेगा नहीं। ऐसा ही हाल शिक्षा का है। कितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खुल गए हैं और सामान्य स्कूलों में सिर्फ हाजिरी रहती है। गवर्नमेंट स्कूल तो जैसे आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अनेक स्कूल बंद करने के समाचार और इस फैसले के विरोध में धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं। शिक्षा धीरे धीरे स्वास्थ्य की तरह आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। किताबों का बोझ बस्ते को भारी बना रहा है और बच्चे स्कूलों से हटाए जा रहे हैं। कौन चिंता करेगा? दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को ही मुद्दा बना आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीते। क्या सच में ही कुछ किया गया या मात्र प्रचार था? मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों का रंग रोगन और राष्ट्र के प्रमुख की सराहना से इतना इतराना कि दूसरे राज्यों की आलोचना करना कहां तक सही है। खैर, मोहन भागवत की चिंता पर सभी राज्य सरकारों को चिंतन करना चाहिए। एनवी न्यूज के लिए कमलेश भारती की रिपोर्ट।